नमस्ते भारत, वुमेन टीवी इंडिया के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। मानव तस्करी में हो रहा है इंटरनेट का उपयोग। केंद्र सरकार देश में 18 राज्यों में स्थापित करेंगी साइबर सेल। सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने में क्या कर रही है, पूछा कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने। मातृ दिवस पर जकार्ता में बच्चों को गले लगाने की प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। वाराणसी की भारोत्तोलक पूर्णिमा बनी राष्ट्रमंडल चैंपियन। महिलाओं का क्रेडिट स्कोर पुरुषों से बेहतर, उन पर कर्ज भी ज्यादा। ब्रिटेन में अब तक का सबसे महंगा तलाक। दुबई के शेख पूर्व पत्नी को देंगे 5,500 करोड़ रुपए। दिलबर गर्ल खोलेगी महाठक के राज। सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ गवाह बनेगी नूरा फतेही। और अब खबरें विस्तार से। भारत की केंद्र सरकार ने साइबर अपराध विशेषज्ञों की सलाह से देश भर के 18 राज्यों में फॉरेंसिक साइबर लैब स्थापित करने का निर्णय लिया है। महिलाओं और बच्चों की तस्करी में इन दिनों इंटरनेट का प्रयोग बड़ी तादाद में हो रहा है। ऐसे में अपराधियों की धरपकड़ के लिए जांच एजेंसियों को अति आधुनिक और सक्षम बनने की जरूरत है। इन आधुनिक साइबर लैब से इंटरनेट आधारित अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रियंका गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए लखनऊ में कहा कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल कर रहे लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है। अयोध्या में जमीन खरीद फरोख्त का खेल खेला जा रहा है। प्रियंका ने कहा कि महिलाएं अब जागरूक हो रही हैं और उन्हें मात्र एक सिलेंडर देने से खुश नहीं किया जा सकता। सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कुछ भी कार्य नहीं कर रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता में मदर्स डे पर बच्चों को गले लगाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बहुत से स्कूली बच्चों ने अपनी माओं के पांव पखारे और माओ ने बच्चों को जोर से गले लगाया। बहुत सी माएं भावुक होकर फफक फफक कर रो पड़ी। यह आयोजन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जिंदगी की दौड़ भाग में बच्चों को ही गले लगाना भूल गए हैं और अपने ही बच्चों को गले लगाने के लिए औपचारिक आयोजन करने की जरूरत पड़ने लगी है। वास्तव में जादू की झप्पी बहुत काम की चीज है। यह प्रेम और सुरक्षा का एहसास करवाती है। रिश्तों में मजबूती के लिए गले लगाना भी जरूरी है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की पत्नी पूर्व सांसद डिंपल यादव अपनी बेटी सहित कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है और रैलियों का जोर है। वहीं प्रदेश में पिछले 5 दिनों में 128 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। वाराणसी की पूर्णिमा ने हाल ही में ताशकंद में राष्ट्रमंडल चैंपियन बनकर सीनियर स्तर पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने पिता का सपना पूरा किया है जो अब इस दुनिया में नहीं है, और माँ को एक राहत दी है जो रोजी रोटी कमाने के लिए लोगों के कपड़े सिलती हैं। पूर्णिमा प्लस 87 किलो भार में खेल रही हैं। राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में 229 किलो भार के साथ स्वर्ण जीतकर उन्होंने अगले वर्ष होने वाले बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। उनकी इच्छा है कि ओलंपिक के लिए वे क्वालिफाई कर अपने माता पिता के सपने को पूरा करें। 24 साल की पूर्णिमा 2013 तक जिम्नास्टिक कर रही थी। कोच की सलाह पर पावर लिफ्टिंग और फिर वेट लिफ्टिंग शुरू की। पैसे की दिक्कत और वेट लिफ्टिंग करने के चलते अपनी ग्रेजुएशन पूरी नहीं कर पाई हैं वो। अब वो इसे पूरा करने में लगी हैं, पर साथ ही माँ के लिए भी चिंतित रहती हैं। उन्हें बस आस है तो एक अदद नौकरी की, तो वे अपनी माँ के कुछ कष्ट दूर कर सकेंगी। वित्तीय साझेदारी और साख के प्रति पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा सतर्क रहती हैं, इसलिए ज्यादा कर्ज के बावजूद उनका क्रेडिट स्कोर बेहतर होता है। बैंक बाजार का मनी नोड 2022 रिपोर्ट में कही गई है कि देश भर में 36% ही ऐसे लोग हैं जिनका क्रेडिट स्कोर 800 से ज्यादा है। इनमें महिलाओं की हिस्सेदारी 40% है, जबकि पुरुषों की 35
0.6% ही है। क्रेडिट स्कोर का 800 से ज्यादा रहने का मतलब है कि बैंक सस्ते और आसानी से कर्ज देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक महिलाएं होम और पर्सनल लोन लेने में पुरुषों से आगे हैं। अक्टूबर 2020 से सितंबर 2021 के बीच हर महिला ने औसतन 29% 65 लाख तक का होम लोन लिया है, जबकि पुरुषों ने 26% 99 लाख तक का लोन लिया है। पर्सनल लोन के मामले में हर महिला ने जनवरी फरवरी 2021 के बीच औसतन 1% 87 लाख तक का कर्ज लिया है। इस दौरान पुरुषों ने औसतन 1% 86 लाख तक का पर्सनल लोन लिया है। ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने दुबई के शेख को 5,500 करोड़ से अधिक की राशि तलाक के हर्जाने के तौर पर पूर्व पत्नी को देने का आदेश दिया है। शेख मोहम्मद को अपने 2 बच्चों की शिक्षा के लिए भी भुगतान का आदेश दिया गया है। तलाक के हर्जाने की राशि को ब्रिटेन में अब तक की सबसे बड़ी राशि माना जा रहा है। दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम को अपनी पत्नी से तलाक काफी महंगा पड़ गया है। उन्हें बच्चों की कस्टडी की लड़ाई को निपटाने के लिए पूर्व पत्नी को 584 मिलियन पाउंड यानी 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि चुकानी होगी। लंदन के हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ चल रहे केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही प्रोसिक्यूशन की गवाह बनेंगी। ठग सुकेश की पत्नी लीना पॉल के चेन्नई में हुए एक इवेंट को अटेंड करने के बदले में नोरा फतेही को एक BMW कार और एक आईफोन गिफ्ट के तौर पर दिया गया था। अब पूरे मामले में नोरा सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ गवाह के तौर पर पेश होंगी। ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला पेचीदा होता जा रहा है। इस केस में हर रोज नए और शॉकिंग खुलासे हो रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडिस के भी इस केस में जुड़े होने की खबरें हैं। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के सेक्शन 50 और 50(3) के तहत हाल ही में नोरा का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया था। अब नोरा को लेकर इस केस से जुड़ी नई खबर सामने आई है। आज की बुलेटिन की खबरों में बस इतना ही। अब बारी है क्रेडिट शेयर करने की, तो आज के बुलेटिन को लिखा और एडिट किया है श्रीमती सुनीता धारीवाल ने और आवाज दी है उषा धारा ने। प्रोड्यूस किया है ADM ट्रस्ट ने। अब ये रहा हमारा डिस्क्लेमर। इस बुलेटिन में दी गई जानकारी अंतरजाल पर विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध खबरों से एवं हमारी सूचना सखी नेटवर्क द्वारा भेजी गई सूचनाओं पर आधारित है। हम किसी भी खबर की गहन सत्यता के बारे में स्थापना नहीं करते हैं। हमारा यह प्रयास महिलाओं से जुड़ी खबरों को सबके सामने लाना है और यह कार्यक्रम किसी व्यवसाय का हिस्सा नहीं है। यह बिना लाभ हानि अर्जित किए महिलाओं द्वारा चलाए जाने वाला सूचना एवं प्रसारण मिशन है। आप भी जुड़ सकती हैं और बन सकती हैं हमारी सूचना सखी पत्रकार। हमें लिख भेजिए womentvindia@gmail.com पर। अब हम आपसे इजाजत लेते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।